हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विशादिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरसी जीडीसी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली जो है रेलवे के द्वारा एएलपी का जीडीसी का रिजल्ट जारी करवा दिया गया है। जीडीसी का रिजल्ट जो है मात्र 12 दिन में ही तैयार करके रेलवे के द्वारा दे दिया गया है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली जो है आरआरसी एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर ने अपना जो है जीडीसी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1125 प्लस छात्र यहां पर क्वालिफाई हुए सीबीएटी मतलब कि साइको टेस्ट के लिए। कट ऑफ भी साथ में जारी किया गया, बहुत ही कम कट ऑफ गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कितना कट ऑफ गया है। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी शाम के 8:03 का वक्त हमने आरआरसी जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जीडीसी वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा। जीडीसी 04/2023 न्यूज़ एंड इवेंट्स पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए आज की अपडेट है 31/5/2024 की। क्लिक है टू व्यू लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर सीबीएटी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी अगेंस्ट जीडीसी 04/2023। अब दोस्तों, नोटिस ओपन हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले ही जारी की गई है। देखिए आज के दिन 31/5/2024 को जारी की गई है। रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इनकी वेबसाइट भी ऊपर दे रखी है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर सामान्य विभागीय मतलब कि जीडीसी की जो एग्ज़ाम ली गई थी उसका नोटिफिकेशन आपका 1/8/2023 को जारी किया गया था, जिसमें कैटेगरी नंबर एक मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के लिए दिनांक 5/3/2024 को कैटेगरी नंबर वन मतलब असिस्टेंट लोको पायलट में 50% की जो है वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया था, आपको मैंने बताया था। और जो है इन्होंने फिर से मौका दिया था कि कई सारे कैंडिडेट जो न्यू कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है, तो मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए बताया गया कि इसके लिए जो एग्ज़ाम ली गई थी वो 11/5/2024 और 18/5/2024 मतलब कि आज से 12 दिन पहले मतलब कि 18 तारीख को ही 12 दिन पहले ही एग्ज़ाम लिया गया था। लेवल वन की लेवल टू की पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट। यूआर की जो वैकेंसी थी 158 वैकेंसी और एससी के लिए 48, एसटी के लिए 21, ओबीसी के लिए 82, टोटल 309 वैकेंसी थी। A1 स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया इनको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए था। अब दोस्तों, आगे दे रखा है कि यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है एएलपी का फॉर्म भरे थे, तो उनका जो है सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि दो अलग अलग तिथियों में लिया गया था। आपको पता है 11 तारीख को लिया गया था और एक 18 तारीख को लिया गया था। 11 तारीख में एक एग्ज़ाम सेंटर पर जो है एएलपी के क्वेश्चन पेपर की जगह कुछ और ही क्वेश्चन पेपर शो होने लगे थे, इसलिए जो है वो कैंसिल करके यहाँ पर 11 तारीख की जगह फिर एक 18 तारीख पर भी करवाया गया था उसी एग्ज़ाम सेंटर वाले छात्रों का। अब इसके बाद दिया गया कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला सीबीएटी साइको टेस्ट जो आपका साइको टेस्ट बोलते हैं या सीबीएटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता, तो इनके लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीबीटी से शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनकी जो है नॉर्मलाइज करके मेरिट लिस्ट बनाई गई, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम लिए गए थे। अब इनके बाद बात करें तो 23/11/2023 को इन्होंने नोटिस निकाला था कि हम जो है नॉर्मलाइज करते अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो इसके बाद दे रखा है कि दिशा निर्देशों के आधार पर दोनों सीबीटी में प्राप्त नॉर्मलाइज अंकों के अनुसार मेरिट के आधार पर अधिसूचना में दिए गए शर्तों व रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों के अनुसार जो असिस्टेंट लोको पायलट है उनके लिए टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से सीबीएटी प्रोविजनली सीबीएटी हेतु अनंतिम प्रोविजनली रूप से पात्र सफल पाए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर नीचे दिए गए। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर रोल नंबर दे रखे, कैंडिडेट यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं। अपना रोल नंबर देखने में कोई प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ पर इसको जो है सर्च भी करके देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 1125 प्लस छात्र है जिनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए टोटल 1127 कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर सीबीएटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है साइको टेस्ट के लिए। अब इसके बाद दे रखा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा हेतु अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर पाए करने के कारण उनको पात्र नहीं पाए गए, मतलब कि जो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था उसमें भी कट ऑफ जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको जो है यहाँ पर फेल कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपका प्रोविजनली कट ऑफ यहाँ पर दे रखा है परसेंट के हिसाब से, तो देखिए यूआर का 40.26579 इतना कम कट ऑफ गया है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को उठा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर जो है ट्रेड बी जो पार्ट बी था, ट्रेड वाले क्वेश्चन थे आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने थे, वो यहाँ पर जो है सिलेबस से हटा दिया गया था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन टेक्निकल ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, मैथ्स रीजनिंग साइंस और जीके जीएस वगैरह। अब इस तरह से देख सकते हैं एससी का 30.14515 गया है, एसटी का 25.12924 गया है और ओबीसी का भी मात्र 30.80865 मतलब कि मात्र इतना कम का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स पर यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफाई कर लिया गया है सीबीएटी के लिए। अब दोस्तों आगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट और आपको दे रखा है कि देखिए मनोवैज्ञानिक मतलब साइको टेस्ट जून माह के चतुर्थ सप्ताह में जयपुर शहर में आयोजित की जा सकती है, अतः अभ्यर्थी मनोवैज्ञानिक परीक्षा के लिए तैयार रहे। मतलब कि जो आपका सीबीएटी साइको टेस्ट जो आपका होने वाला है वो जून के फोर्थ वीक में हो जाएगा जयपुर में जो है आरआरसी जयपुर के जो है हेडक्वार्टर के शहर में ही यहां पर जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो कैंडिडेट जो है साइको टेस्ट के लिए जो है तैयार रहे, यहां पर आपका जो है जल्दी ही
इसके CBET के लिए, साइको टेस्ट के लिए जो होगा एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी है, यहाँ पर तीन तीन एक साथ खुशखबरी दी गई कि मात्र 12 दिन में ही यहाँ पर रिजल्ट तैयार करके जो है RRC जयपुर ने दे दिया। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पर RRC जयपुर जो है सबसे फास्ट माना जाता है, क्योंकि RRC जयपुर ने 01/2023 की जो GDC निकाली थी उसमें भी लगभग 2 से 3 महीने में उन्होंने फुलफिल कर लिया है। अभी 04/2023 की जो ये GDC एग्ज़ाम है इसको भी यहाँ पर लगभग जो है आपका 12 दिन में रिजल्ट देके कंप्लीट करने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिजल्ट भी दे दिया है, कट ऑफ भी दे दिया है, और साथ ही साथ जो है आपका CBET मतलब साइको टेस्ट की डेट को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 4th week July में आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा जयपुर शहर में। तो दोस्तों सॉरी यहाँ पर जून में 4th week of June में ले लिया जाएगा एग्ज़ाम जयपुर शहर में, जून है जुलाई नहीं है सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।